आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। बंगाल के कोलकाता में एक महिला सहायक चिकित्सक के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या की घटना से सभी चिकित्सा स्टाफ हड़ताल पर चला गया। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में भी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सकों ने एक दिवसीय हड़ताल करते हुए ओपीडी को बंद रखा है, जबकि इमरजेंसी चिकित्सा सेवा को जारी रखा गया है। ये हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में की गई है। कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा स्टाफ ने भी रैली निकालकर महिला चिकित्सक के कातिलों को सजाए मौत दिए जाने की मांग की है। नैनीताल से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। इस बारे में सच कहें तो इतनी दुखद घटना है कि बोलते बोलते हमारी आवाज़ थर्रा जाती है, कांप जाती है, क्योंकि ये घटना को अगर हम अपने ऊपर लागू करेंगे तो सोच भी नहीं सकते। कार्य करना तो छोड़ो, इस घटना को सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति का काम करने का कोई भी मन नहीं होगा। हम लोग रात्रि में ड्यूटी में आते हैं, तो मैं यही अनुरोध करूँगी कम से कम जहाँ पर भी अगर सुरक्षा के नाम पर कर्मचारी दिए जाएँ तो वह ऐसे दिए जाएँ कि कम से कम वो उनकी सुरक्षा तो कर सकें, उनके पास कुछ तो हो। लेकिन हमारे इस कालाडूंगी के एरिया में जो भी है सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। रात्रि ड्यूटी ज़्यादातर महिला स्टाफ के द्वारा ही की जाती है, जिसमें हम लोग को हमेशा खतरा बना रहता है। क्या क्या मांग है आप लोगों की, जो बलात्कारी हैं या जो उनको फांसी दिया जाए? ये है, ये देखिए आप, उनके लिए ये चीज़ है, उनके लिए केस तो चलना ही नहीं चाहिए, सीधे दंड मिलना चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उसमें मतलब हमें सुरक्षा दी जाए, जैसे डिलीवरी आती तो हम महिलाएं के लिए नर्सिंग स्टाफ के लिए डिलीवरी करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें मतलब एक सुरक्षा दी जाए कि कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है उस सिलसिले में उसको न्याय दिया जाए। इसलिए हमें रैली निकाली थी कालाडूंगी सी एस सी हॉस्पिटल से थाने तक, हमें रैली निकाली। ऐसे हम चाहिए ताकि आगे महिलाओं को दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की काम करने में खतरा ना पैदा हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि उन लोगों को जल्दी से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। ये हमारे जो चिकित्सक है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के, उनके बलात्कार और इनको निर्मम हत्या के उसमें हम लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कि उनको सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए, और हमारी सुरक्षा, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सबकी सुरक्षा शासन प्रशासन फर्स्ट हैंड लेने की कृपा करें। फिर कार्य बहिष्कार कब तक रहेगा? ये संगठन के अगली जो आदेश आएगा उसी के हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। 24 घंटे तक का इमरजेंसी सेवा क्या है, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ओपीडी ओपीडी बंद रहेगी।